सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज बोट नेकबैंड का रिव्यू करने वाला हूं। आज मैं मंगाया हूं बोट नेकबैंड, चलिए आप उसको दिखाते हैं। अभी जस्ट किए हूं मैंने, सिर्फ इसका सील पैक खोल के रखा है डब्बे का, अभी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और बेसिकली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मुझे मैं जब इसे मंगाया तो मुझे 1100 पड़ा। जब देखेंगे तो इसका प्राइस 1300-1400 रुपये रहता है, 1300 रुपये कम से कम मुझे, देख लीजिए बोटरोकस 235 है प्राइस। काफ़ी इसका वॉल्यूम जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा है इस पर, साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, 20 मिनट चार्ज, देखिए क्या लिखा है हाईलाइट कि 20 मिनट चार्ज करेंगे तो 4 घंटा चलेगा। फास्ट चार्जिंग का सपोर्टेड है, बहुत अच्छा है, मैग्नेटिक है, हैंडसेट फायर है, बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं क्विकली एकदम सपोर्ट कर जाएगा, क्विक देख पा रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए इसको करते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर फुल रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद हम आपको जब हम पूरा देखेंगे तो इसके साथ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ इसके साथ मिलता है। और एक ये क्या है, चेन्नई सुपर किंग, वाह वाह, क्या बात है 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 क्या बात है, हो इधर ये सर इतना है पंत, वाह। और इधर MI मुंबई इंडियंस, सबसे फर्स्ट में देखने की बात है चेन्नई सुपर किंग, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, और देख सकते हैं जसप्रीत और KL राहुल। और इस साइड में देखते हैं क्या है, इस साइड में भी है, इस साइड में एक्टर है, अरे यार कियारा आडवाणी देख रहे हो ना, कबीर सिंह, ओहो नेहा शर्मा, ओह क्या नाम इसको कहते हैं, नेहा वल्ली, नेहा शर्मा नहीं, अरे ये कौन है भाई, आप लोग कमेंट करके बताओ ये कौन है, मुझे तो नहीं समझ में। चलिए इसको रखते हैं खपाक्स। और इसके बाद ये है कुछ, और ये क्या दिया है जी मुझे, अच्छा 1 ईयर्स के वारंटी कार्ड, इसका देखिए जैसे मैनुअली कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे बटन है, ये सब बताया गया है, तो ये सब तो नॉर्मली है। अब इसके साथ एक है ईयरबड, 2 टाइप से, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला है। और इसके साथ ये USB माइक्रो USB 2 USB कोड है, देख लीजिए, चलिए इसको भी रखते हैं। और इसके साथ ये है, और कुछ है क्या इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है, चलिए इसको फटाफट ऑन करते हैं। मैं ब्लैक कलर का मंगाया हूँ, इसका 2-3 कलर है, ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं ब्लैक मंगाया हूँ, एसेसरी मुझे ब्लैक ही पसंद है। ओह देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मैग्नेटिक है, इधर यहाँ पर बोट का लोगो है और काफ़ी अच्छा है, ये हैंड फील करेगा ठीक है, बस ये केवल पतला है लेकिन अच्छा रहेगा। इस साइड है, आवाज़ वॉल्यूम कम करने का ज़्यादा करने का, और ये इसी से ऑन ऑफ होगा और इसी से पॉज होगा। यहाँ पर चार्जिंग का दिया हुआ है, खुलेगा कैसे जी, अच्छा ये चार्जिंग रोक दिया हुआ इधर, आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और माइक वगैरह शिफ्ट किधर है जी, हैं अच्छा यहाँ पे है ये वाला, आपको दिख रहा है ये माइक वाला है। तो बिना देखिए, वाह पकड़ रहा है क्या, ये सब अच्छा ही है, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। तो पहले हम ऑन करते हैं इसको, पेयर करते हैं और दूसरे वाले फ़ोन से ऑन हो गया, ये इंडिकेटर लाइट भी चल रही है। तो ये इंडिकेटर लाइट है, माइक किधर है जी, हैं ये तो इंडिकेटर लाइट हो गया, अतरीके ये इंडिकेटर लाइट जला ना, अरे यार माइक ऑप्शन तो नहीं दिख रहा जी कहीं पे, ये जब इंडिकेटर जला ये इंडिकेटर कर रहा है, आई डोंट नो यार ये कहाँ से जाएगा, या फिर स्पीकर में है जी, मुझे ऐसा कुछ होल दिख नहीं रहा है, आप बताओ, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है ना, ये अंदर से ही आवाज़ कर लेगा,
तो देखते हैं, देखते हैं, जल्दी से ऑन हो जा। पेयर कर ले, पेयर कर ले, पेयर हो रहा है। क्या बात है, ये मेरा MI पता नहीं जी, कहीं ये तो नहीं है। आना चाहिए तो बोर्ड का नाम लिख के आना चाहिए था। ठीक, स्कैन क्यों नहीं ले रहा जी? अब लिया रॉकर, अब लिया, देख ले रहा है। ओके, पेयरिंग हो गया। चलिए अभी मैं इसको म्यूजिक करके दिखाता हूँ। को मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि म्यूजिक क्वालिटी कैसा है। तो म्यूजिक इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा है। ये बज रहा है और मैं इसे लगा लिया। अरे यार, सच में काफी अच्छा आवाज दे रहा है जी। आपको तो सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं देखता हूँ अगर आपको सुनाई पड़े तो कुछ। चलिए, ये जो भी हुआ, मतलब ओवरव्यू देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। अगर फिनिश है, आपको कहीं कुछ लगेगा नहीं, और अच्छा है। अब ये नहीं पता कि इसको आप ऐसे करोगे तो कोई क्यों करेगा ऐसे, इसको मोड़ेगा तो नॉर्मल ऐसा ही लिक्विड डालना है। तो ये ज़्यादा हाइट वज़न भी नहीं है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद हो तो आप इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। मैं तो इसे 1099 में परचेज़ किया हूँ। कभी कभी ये ऑफ़र में 1000 में भी आ जाता है, 900 में भी आ जाता है, और कभी ये ओरिजिनल इसका प्राइस 900 रुपये रहता है, अथी 1300 रहता है। तो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, हम इसी प्रकार की रिव्यू आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।